बोलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आम बात हो गई है, हर किसी के जुबान से आता है कि हमारे पौधे सूख गए हैं, हमारी सब्जियां, हमारे क्राफ्ट, हमारे गेहूं बीच बीच में सूख रहे हैं। और वो तो ठीक है, मेन बात है दोस्तों कि जो हार्डवुड वाले पौधे हैं, जो हार्डवुड वाले जैसे आम, अमरूद, अनार, चीकू, बेल, इस प्रकार के जो हार्डवुड वाले बड़े मोटे तने वाले जो पौधे होते हैं, उनमें ये बहुत समस्या आ रही है, खास करके आम का पेड़ सूख जाता है। कोई भी लोग चीकू लगा रहे हैं, अनार लगा रहे हैं, बड़े बड़ी बाग तैयार कर रहे हैं और बीच बीच में सूख जाता है, पूरा ही सूख जाता है कभी कभी। आज उसके लिए हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह इन्फोट्यूब से बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये हींग है, ये हमारी सब्जियों और हमारे हार्डवुड पौधों के लिए वरदान है। हमारे घर में ही है, हमारे पास ही है, सिर्फ एक जानकारी की ज़रूरत है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा सब कैसे इस्तेमाल करना है। शिकायतें बहुत मिलती है कि हमारे आम के पेड़ सूख गए, हमारे वाला पेड़ सूख गए, और हमारी कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमारे पौधे गमले में सूख गए, सब्जियां सूख जा रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम दोस्तों शुष्क टाइम पे होता है, जब मौसम शुष्क हो जाता है या ज़मीन में जब नमी ख़त्म हो जाती है, तभी ये प्रॉब्लम होता है। ज़मीन की नमी ख़त्म होने की वजह से ज़मीन के अंदर हमारे तमाम कीड़े जो होते हैं हमारे पौधों पर अटैक कर देते हैं, जिससे हमारे पौधों की जड़ों को खा जाते हैं, खास करके दीमक। तो दीमक जो है वो मॉइस्चर जहाँ बना रहता है वहाँ नहीं आता है, कीड़े में वो मर जाता है, तो वहीं पे अटैक करता है जहाँ पे उसको शुष्क ज़मीन मिले। तो आज हम बताएंगे आपको, मिट्टी सूखने ना पाए, आप कोशिश करना कि जो हमारे पौधे लगे हैं वो गमले में हो या ज़मीन में है, मिट्टी का मॉइस्चर उसको बनाए रखें। पेड़ों में हमारे पौधों में दीमक लग जाते हैं, जड़ों को ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए हम जो उपाय बता रहे हैं आपको दो उपाय बता रहे हैं। पहला है, जैसे बरसात के बाद जब शुष्क टाइम आता है, ठंडी होती है, गर्मी मई जून का महीना आता है, तो पौधों में आप कैसे भी नमी बनाए रखिए। अगर आप गमले में लगाए हो, सब्जियां उगाए हो, तो वो तो नमी चाहिए, नहीं तो ऐसे गर्मी में भी सूख जाता है। लेकिन अगर आपके जो पेड़ पौधे हैं जो हार्डवुड वाले हैं, उनमें आप नमी बना के रखिए। उसके लिए आपको, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि ये आपको जो हमने दिखाया था हींग, ये आपका हींग है, और हींग दो प्रकार की होती है। एक दूसरी हींग है, देखो, जो पत्थर के तरह है, ये भी हींग है, देख रहे हैं दोस्तों, ये हींग। तो आप 10 लीटर पानी में 1 चम्मच हींग, ये जो पाउडर वाली हींग है, 1 चम्मच हींग। अगर आपका पत्थर वाली है तो पत्थर वाली बहुत हार्ड होती है दोस्तों। 10 लीटर पानी में कम से ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी हींग लेनी है। एक छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच, दिख रहा है आपको ये, इससे ज़्यादा हींग नहीं लेनी है ये। और अगर आप पत्थर वाली हींग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तभी पाउडर इस्तेमाल करना। यदि आप पौधों के लिए कर रहे हो तो 1 लीटर पानी में इतना हींग बहुत है, दिख रहे हैं, एक जैसे छोटी दाल का टुकड़ा होता है उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में मिला के आप पौधों में डालिए जो सूखते हैं। तो दोस्तों, आप
अगर आप बड़े हार्डवुड पेड़ों के बारे में आज हम ज़्यादा आपको बता रहे हैं, तो हार्डवुड पेड़ों के बारे में आप एक 10 लीटर पानी में एक चम्मच हींग मिक्स करके आधा घंटा रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आप उस पानी को अब जड़ों में डालिए, चारों तरफ रिंग बना लीजिए, अच्छी तरह से रिंग बना के उसके अंदर पानी डालिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और ये अगर आप कर सकते हैं तो महीने में 15 दिन में एक बार ज़रूर करें, तो जो दीमक का स्टेटस होता है जहाँ जिस लेवल पर रहते हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं, या तो वो हींग के पानी के असर पड़ने से वो मर जाते हैं। तो ये बहुत ही कारगर, एक समझ लीजिए ऑर्गेनिक अगर कोई दवा है पौधों को पेड़ों को बचाने के लिए, हार्ड रूट पेड़ों को बचाने के लिए, तो हींग से ज़्यादा कारगर कुछ भी नहीं है। अब हींग का इस्तेमाल करिए। एक चीज़ और बता दें कि हींग दो प्रकार की, ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि हींग दो प्रकार की होती है, लेकिन जो मोटी पत्थर वाली जैसी हींग है उसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है। और हींग सब्जियों के लिए बहुत ही वरदान है, क्योंकि कुछ सब्जियां हैं जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन और लौकी, इनमें पराग का सिस्टम रहता है। अगर फूल, दो टाइप के फूल होते हैं मेल फीमेल, अगर उनका पराग उस पर नहीं पड़ा तो फल के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर हींग का पानी का छिड़काव करते हैं आप या मिट्टियों में डालते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है उससे बहुत आकर्षित होते हैं जो हमारे पतंगे हैं, तितलियाँ हैं। अगर वो आएंगी, उड़ेंगी, यहाँ वहाँ बैठेंगी तो हमारा पराग का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उससे हमारे फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी सुंदर होते हैं। और हींग से फलों की साइज़ बढ़ जाती है, सूखने से ही नहीं बढ़ जाते, ये फलों की साइज़ बढ़ती है और फलों में क्वांटिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। तो फलों में अगर सब्जियों में डालना हो तो ध्यान रखना कि एक गिलास पानी में एक चुटकी, एक दाल के टुकड़े जैसा ही डालना, क्योंकि ये गर्म करता है बहुत। और हार्ड वुड पेड़ों में तो आपको बताया है कि एक चम्मच एक 10 लीटर पानी में। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं। फिर ख़त्म हो गया, ये ख़त्म क्यों हो रहा है? तो आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे इस्तेमाल करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको फ़ायदा होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और